दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वैभव इंटरप्राइजेज भकरेड़ी मार्केट महरे। सभी तरह के टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी वेयर व पानी की टंकियां बाजार से कम दामों में खरीदें। कोरोना वैक्सीन की लॉन्चिंग को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सिरमौर जिला में मेडिकल कॉलेज नाहन और सिविल अस्पताल पौंटा साहिब से होगी वैक्सीन की लॉन्चिंग। पिछले लंबे अरसे से कोरोना महामारी से सहमे हुए लोगों को अब राहत मिलेगी। दरअसल 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीन की लॉन्चिंग होने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन की लॉन्चिंग के लिए डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज नाहन और सिविल अस्पताल पौंटा साहिब का चयन किया है। जिला में अभी तक 5,596 लोग हैं जिन्हें वैक्सीन दी जानी है। इनमें से लॉन्चिंग के मौके पर मेडिकल कॉलेज नाहन में 100 जबकि 80 लोगों को पौंटा सिविल अस्पताल में वैक्सीन दी जाएगी। बाकी लोगों को चरणबद्ध तरीके से वैक्सीन दी जानी है। मीडिया से बात करते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर KK पराशर ने बताया कि कोरोना वैक्सीन देने के लिए जिला के 40 PSC का चयन किया गया है, जहां पर वैक्सीनेशन केंद्र बनाए जाएंगे। इन वैक्सीनेशन केंद्र में 3 कमरे होंगे, जिसमें पहले कमरे को वेटिंग रूम बनाया जाएगा, दूसरे कमरे में वैक्सीन दी जाएगी, जबकि तीसरे कमरे में वैक्सीन देने के बाद ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। आधा घंटा निगरानी में रखने के बाद ही उन्हें घर जाने दिया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को SMS किए जाएंगे। जिन लोगों को SMS प्राप्त होंगे वो वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर SMS दिखाने के बाद वैक्सीन लगवा पाएंगे। प्रत्येक वैक्सीनेशन सेंटर में 5 लोगों की टीम काम करेगी। इनमें से एक अधिकारी SMS चेक करेगा, दूसरा SMS को वेरीफाई करेगा, तीसरा वैक्सीन देगा, जबकि चौथा इनकी निगरानी करेगा। उस PSC का MO इंचार्ज इनका नोडल अधिकारी होगा। इस प्रकार कोरोना वैक्सीन को लगाने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। कोरोना वैक्सीन शिमला से जिला मुख्यालय पहुंचेगी, जहां से जिला के सभी खंडों में सप्लाई की जाएगी और इन खंडों से वैक्सीन को PSC तक पहुंचाया जाएगा। आइए इस संबंध में पूरी बात करते हैं डॉक्टर KK पराशर, CMO जिला सिरमौर से। इसमें अभी तक डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में हमने लगभग 5,596 बेनिफिशियरीज जिनको की वैक्सीनेशन होना है, वो हमने लिस्ट तैयार कर ली है। इनका वैक्सीनेशन अभी लॉन्चिंग हमारी 16 तारीख को लॉन्चिंग होनी है, तो उसमें 2 साइट सिलेक्ट किए हैं, एक तो मेडिकल कॉलेज नाहन और एक सिविल हॉस्पिटल पौंटा। तो मेडिकल कॉलेज नाहन में लगभग 100 लोगों को वैक्सीनेशन होगा 16 तारीख को, और पौंटा सिविल हॉस्पिटल में लगभग 80 लोगों का वैक्सीनेशन होना है। तो वैक्सीन के बारे में ये है कि जैसे ही वैक्सीन आती है तो हम 16 तारीख को लॉन्चिंग कर देंगे और उसके बाद हम सेशन प्लान कर देंगे, बाकी बेनिफिशियरीज हैं उनका हम वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। तो इसके लिए हमने लगभग 40 सेशन साइट्स डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में सिलेक्ट किए हैं, जहां पे की वैक्सीनेशन होना है। तो ये सेशन साइट PSC लेवल पे हमने बनाई हुई है। हर PSC पे जहां पे भी सेशन साइट हमने रखी हुई है, उसमें 3 कमरे होना जरूरी है। फर्स्ट रूम जो है वो वेटिंग रूम होगा, दूसरा जो कमरा होगा वो वैक्सीनेशन के लिए होगा, और तीसरा जो कमरा होगा वो ऑब्जर्वेशन के लिए होगा। तो इसमें जो बंदा जिसको भी मैसेज जाएगा, उसको एक दिन पहले मैसेज चला जाएगा कि उसका वैक्सीनेशन होना है, तो वो उस मैसेज को दिखा के उसको उसका डिटेल वेरीफाई करेंगे और उसके बाद उसका वैक्सीनेशन होगा। उसके बाद आधा घंटे तक उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद उसको घर भेज दिया जाएगा। तो इस तरह की हमने अभी तैयारी की है, और वैक्सीन जो आनी है हमारी शिमला से, हमें वैक्सीन यहाँ डिस्ट्रिक्ट स्टोर में आएगी, उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट स्टोर से फिर हमारी ये वैक्सीन ब्लॉक स्टोर में जाएगी, ब्लॉक स्टोर से हमारी कोल्ड चेन पॉइंट पे जाएगी, जो कोल्ड चेन पॉइंट लगभग 19 कोल्ड चेन पॉइंट है वहां पे जाएगी, और कोल्ड चेन पॉइंट से PSC लेवल तक जाएगी। तो इस तरह से हमने हर सेशन साइट पे 5 लोगों की टीम आइडेंटिफाई की है। उसमें एक वैक्सीनेटर होगा और 4 वैक्सीन ऑफिसर होंगे, जिनका काम अलग अलग रखा गया है। जैसे पहला जो वैक्सीन ऑफिसर होगा वो SMS चेक करेगा, दूसरा वेरीफाई करेगा उसका, और तीसरा वैक्सीनेटर जो कि वैक्सीन लगाएगा, तीसरा जो बंदा होगा वो उसका काम होगा ऑब्जर्वेशन में, उसकी पेशेंट को देखना कि उसको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है या कोई और भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस तरह से 5 लोगों की टीम वहां पर रहेगी, और वहां का जो MO इंचार्ज होगा वो उसका नोडल ऑफिसर होगा। दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय BK हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिकर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बल, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें।